देश की राजधानी दिल्ली में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक शख्स को 8 महीने का पानी का बिल 10,49,000 रुपए भेजा है, वो भी तब जब इस दौरान उपभोक्ता विदेश गए हुए थे और उनका मकान बंद था। वहीं दिल्ली भाजपा ने इस पर अब पलटवार किया है और कहा है कि दिल्ली सरकार जहां एक तरफ कहती है कि पानी का बिल माफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ लाखों का बिल भेजती है। दिल्ली में एक बार फिर अब पानी बिल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीते दिनों पहले कहा था कि राजधानी में किसी को पानी का बिल जमा करने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसी दिन बिल फाड़ कर फेंक देना, आगे से कोई बिल नहीं आएगा। वहीं अब दिल्ली भाजपा ने इस पर अब जोरदार पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता शंकर कपूर ने आज पश्चिम दिल्ली के एक उपभोक्ता के पानी का बिल, उन्होंने कहा कि तिलक नगर विधानसभा के उपभोक्ता ने साल 2019 में अपना मकान बनाया था, तभी नया मीटर लगाया और तब से दिसंबर 2023 तक उन्हें सामान्य उपभोक्ता की तरह प्रति दो माह में 3,500 रुपये के आसपास दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बिल मिलता था। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में अंतिम बिल भरकर उपभोक्ता विदेश चले गए और अब जब दिवाली से दो दिन पहले लौटे तो 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल देख स्तब्ध रह गए। देखिए, अजीब सी स्थिति है कि केजरीवाल कहते हैं बड़ा बिल आए तो जमा ना करें, मगर यहां तो एक ऐसे बिल का मामला सामने आया है कल, जहां व्यक्ति ने आखिरी बिल दिसंबर 2023 में 3,000 रुपए के आसपास का जमा कराया और वो विदेश चला गया मार्च में। लौट के आया तो उसको अगस्त तक का ही, अभी तो उसके आगे का तो उसे मिलना बाकी है, अगस्त तक का जो बिल मिला वो 10,49,000 रुपए का है, 10.5 लाख का, अंग्रेजी में कहें तो 1 मिलियन रुपीस का वाटर बिल। वो पानी पीता था, मतलब सोचिए बंद घर में कोई पानी पी रहा था या पानी कहीं सप्लाई का धंधा हो रहा था, शायद कोई सप्लाई का धंधा भी करता तो उसका 1-1.5 लाख रुपए महीने का बिल नहीं आता। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।